नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित समय पर राशि परिवर्तन करते हैं। आपको बता दें कि ग्रहों के राशि परिवर्तन से बनने वाले योग कई राशियों के लिए शुभ होते हैं, जबकि कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए ये अशुभ परिणाम देते हैं। आपको बता दें कि शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। शनिदेव लोगों को उनके कर्म के हिसाब से फल देते हैं। माना गया है कि सभी 9 ग्रहों में शनि सबसे धीमी चाल चलते हैं। शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान है। शनि ग्रह इस समय 30 सालों बाद कुंभ राशि में वक्री हुए हैं। आपको बता दें कि शनि देव 17 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और 4 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे। उसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 4 नवंबर से शनि सीधी चाल चलने लगेंगे। आपको बता दें कि शनिदेव के मार्गी होने से कुछ राशियों के लिए ये बेहद शुभ फलदायी साबित होगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियाँ। सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि की। तो आपको बता दें कि शनि के मार्गी होने से मिथुन राशि वालों का भाग्य उदय होगा। 4 नवंबर के बाद इन राशि वालों को सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले अगर चल रहे हैं तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। इसके अलावा अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो आपको बता दें कि वृषभ राशि वालों के लिए भी शनि का मार्गी होना बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। वृषभ राशि वालों को बिजनेस और जॉब में लाभ होने की संभावना है। साथ ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे। साथ ही साथ आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और नए काम के बारे में भी सोच सकते हैं। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि शनि की खुद की राशि है। शनि का मार्गी होना कुंभ राशि वालों के लिए वरदान के समान साबित हो सकता है। बिजनेस और नौकरी में आपको प्रगति मिलने वाली है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। साथ ही बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना शुभ संकेत लेकर आया है। अगर आप बहुत लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 4 नवंबर के बाद आपको शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। नमस्कार।